हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपके? ठीक है, उम्मीद है आप सबके सब जो है बिल्कुल खैरियत से होंगे और बहुत ज़्यादा खुश भी होंगे, क्योंकि आपको जो है वो स्कूलों से छुट्टियां होने वाली हैं बहुत जल्द। तो बेटा, आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे, हम क्वेश्चंस के साथ हल्की फुल्की छेड़खानी करेंगे कि क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाए और अच्छे तरीके से और ईजिली सॉल्व हो जाए। जो बेटा, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो इसमें एक और टाइप के क्वेश्चन जो है वो एक और टाइप यहाँ पे आ चुकी है, जिसे कहते हैं एक्सपोनेंशियल इक्वेशन, कुव्वत नवाई मसावात। ऐसी मसावात जिसमें वेरिएबल जो है वो पावर में हो, उसकी कुव्वत में हो, तो उसकी एक्सपोनेंट में हो। देखें, वेरिएबल एक्स उसकी पावर में है, तो ये है एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? बहुत इजी है, आपने परेशान नहीं होना। फर्स्टली इसका लिखेंगे जी सोल्यूशन। सोल्यूशन के बाद इसको हमने एज इट इज जो है वो दोबारा लिख देना है। फोर ये डॉट मल्टीप्लीकेशन का साइन है, 2x + 1 - 9.2 की पावर x + 1 = 0। अब देखिए, आपने ये रूल पढ़ा हुआ है a की पावर m प्लस एन, इसको हम लिख सकते हैं ए एम डॉट ए एन, मीन्स के पावर सेपरेट करके दरमियान में मल्टीप्लीकेशन का साइन लिख सकते हैं। तो इसी लेके हम 2 की पावर 2x + 1 को करेंगे 4.2 की पावर 2x और 2 की पावर 1 - 9.2 की x + 1 = 0। ठीक है, ये 4 और 2 मल्टीपल होके 8.2 की पावर 2x - 9.2x + 1 = 0। अब हमारे पास इसमें जो कम वैल्यू है वो कौन सी नजर आ रही है आपको? इसके अंदर जो कम वैल्यू है वो हमें 2 की पावर x नजर आ रही है। इसको हमने y पुट करना है, पीछे भी हम यही करते आए हैं, y = 2 की पावर x। अब y का स्क्वायर ले लें तो ये 2 की पावर x का भी स्क्वायर, तो पावर पावर से मल्टीपल होगी 2 की पावर 2x, मीन्स के जहां 2 की पावर x है वहां y, जहां 2 की पावर 2x है वहां y स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 8y cos² - 9y + 1 = 0। अब इसको हमने सॉल्व करना है, इसकी पेयर बना लें। 8 और 1 को मल्टीपल किया तो हमारे पास 8 आया, 8 के दो पेयर बनाए जिनको मल्टीप्लाई करें 8 आए, ठीक है, और जिनको आप प्लस माइनस करें तो हमारे पास जो है वो माइनस का 9 आए, 1 और 8, ठीक है, माइनस 1 और माइनस का 8 ही आएगा। तो इसको मल्टीपल करें तो हमारे पास प्लस का 8 आएगा, प्लस माइनस करें तो माइनस का 9 आएगा। ये इसको मैं ये 8y² - 8y - y + 1 = 0। इसमें से क्या कॉमन है? इसमें से 8y कॉमन है, y - 1, इसमें से -1 कॉमन है, तो y - 1 कॉमन, तो y - 1 आएगा = 0। इसको मैं रेज करता हूँ, इस सारी को शिफ्ट करके मैं यहाँ ले आता हूँ, ये हमारे पास हो गया 8y - 1 - 1 - y - 1 = 0। ठीक है, अब सारी वैल्यू में से y - 1 कॉमन है और बाकी जो है 8y - 1 = 0। बारी बारी y - 1 = 0 and 8y - 1 = 0, y = 1 and y = 1/8। ठीक है, तो अब हमारा क्वेश्चन x में था, तो इसको दोबारा y को x में चेंज करें, y की जगह पे x लिखें, क्या था, 2 की पावर x = 1। ठीक है, अब 1 जो है 2 सेम करने के लिए किसी नंबर की पावर 0 हो 1 होता है। क्यों होता है? ये मैंने इसी मेरे चैनल के ऊपर एक वीडियो पड़ी हुई है, आप उसमें जाके देख सकते हैं कि किसी नंबर की पावर 0 जो है वो 1 क्यों होता है। ये 2x = 1, किसी नंबर की पावर 0 1 हो तो 1 क्यों होता है, जो मेरे चैनल पे आप वीडियो देख सकते हैं, आप उस चैनल का विजिट करें, उसके अंदर लिखा होगा कि एवरी नंबर पावर 0 = 1 वाई। ठीक है, जो ये हो जाएगा 2 की पावर x, यहाँ पे लिखेंगे 2 की पावर 0, बेस बेस से कैंसिल हो जाती है, तो x = आंसर आ जाएगा 0। इसी तरह इस y को भी हमने 2 की पावर में लेके जाना है, 2 की पावर x = 1/8। इस 8 को किया हमने फैक्टराइजेशन, तो इसकी बन गई 2 की पावर 3 होता है 8, तो इस 2 को 3 को ऊपर लेके जाएंगे, हो जाएगी -3, तो 2 की पावर x = 2 की पावर -3, ये 2 से कैंसिल, x = -3, मीन्स कि हमारे पास जो इसका सोल्यूशन है वो आ जाएगा, इसका बेटा सॉल्यूशन सेट जो है इस इक्वेशन का, क्वेश्चन का सॉल्यूशन सेट 0 और -3। तो ये हमारे पास भाई इसका जो है वो सॉल्यूशन सेट हो गया। नेक्स्ट मूव करेंगे इसे के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है, 13 क्वेश्चन भी बिल्कुल 12 क्वेश्चन की तरह है, ये एक्सपोनेंशियल इक्वेशन टाइप का ही क्वेश्चन है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं जी। इसको सॉल्व कैसे करेंगे बेटा? फर्स्टली इसको लिखा हमने सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के बाद इसको एज इट इज 3 की पावर 2x + 2, इन दोनों वैल्यूज को इस साइड पे ले आए, -12.3 की पावर x + 3 = 0। ठीक है, तो अब वही प्रोसेस, a की पावर m प्लस n हो तो ये एक्सपोनेंशियल लॉज आपने पढ़े हुए हैं, a m डॉट a m। इसी तरह हमने 3 की पावर जो 2x प्लस 2 है इसे हमने सेपरेट करना है, 3 की पावर 2x और 3 की पावर 2, ये डॉट करके मैंने 3 की पावर 2 कर दिया, -12.3 की पावर x + 3 = 0। ये 3 की पावर 2 जो है ये हो जाएगा 9 डॉट 3 की पावर 2x - 12.3 की पावर x + 3 = 0। ठीक है, अब इसको हम पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे बेटा? अब यहाँ पे हम इसको जो कम वैल्यू है ये वाली 3 की पावर x, इसको हमने पुट किया y
वाई इज इक्वल टू थ्री की पावर एक्स। सिमिलरली ये हो जाएगा हमारे पास वाई स्क्वायर, जब इसका स्क्वायर लिया तो थ्री की पावर यहाँ पे हो जाएगा टू एक्स। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन जो है वो सारे का सारा चेंज हो गया वाई में, नाइन डॉट थ्री की पावर टू एक्स की जगह पे वाई स्क्वायर, या ऐसे कर लिया नाइन वाई स्क्वायर आ गया। ठीक है, फिर माइनस ट्वेल्व थ्री एक्स की जगह पे आ जाएगा वाई प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो। तो ये हमारे पास में इस तरह का जो है वो क्वेश्चन हो जाएगा। इसे मैं करता हूँ रेज, यहाँ पे इनको आप यहाँ पे भी आप फैक्टराइजेशन कर लें, नाइन और थ्री को किया हमने मल्टीप्लाई, नाइन थ्री होता है 27, तो 27 के बनाए दो पेयर, जिनको मल्टीप्लाई करें 27 आ जाए, जिनको मल्टीप्लाई करें तो आंसर आ जाए मेरे पास 27, और उन्हीं दोनों को आप आपस में प्लस करें तो आंसर मेरे पास आए माइनस का 12। यही 9 एंड 3 यही इसके पेयर हैं, 9 3 27 होता है और 9 और 3 जो है ये 12 भी होता है। अब आपके माइंड में होगा कौन सा प्लस का हो कौन सा माइनस का हो, या दोनों प्लस के हो दोनों माइनस के हो, बेटा दोनों माइनस के लेंगे हम। वो कैसे लेंगे, 9 वाई स्क्वायर माइनस का 9 वाई माइनस का 3 वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अगर दोनों वैल्यूज माइनस की हैं तो माइनस माइनस हो जाता है प्लस। ठीक है, तो इस तरह जो है यहां से आप इसका कॉमन ले लें, 9 वाई यहां पे आ जाएगा कॉमन, वाई माइनस का 1। ठीक है, यहां पे मैंने 9 वाई कॉमन लिया है। ठीक है, वाई माइनस 1 माइनस इसमें से मैंने 3 कॉमन लिया, तो यहां पे वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसको आगे शिफ्ट किया हमने, तो इन दोनों में से क्या कॉमन है, इन दोनों में से वाई माइनस 1 कॉमन आ गया, वाई माइनस 1 इंटू 9 वाई माइनस 3, 9 वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब भाई अब इसको भी जीरो पुट कर दें और 9y माइनस 3 को इक्वल टू जीरो कर दें, y माइनस 1 इज इक्वल टू 0 एंड 9y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। हाँ जी, y इज इक्वल टू 1, यहाँ पे 9y माइनस 3 उधर जाके प्लस का 3 हो गया, तो 3 9 को कर दिया हमने डिवाइड, 9y इज इक्वल टू 3, इसका बटा 9 इसका बटा 9 ये कैंसल, तो y इज इक्वल टू 3 1 3 3 9 1 बाय 3 और यहाँ पे y इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे एक और चीज है कि हमने y को दोबारा x में चेंज करना है, कैसे चेंज करें, y हमने क्या पुट किया हुआ है 3 की पावर x, ये देखें y की जगह पे लिखा हमने 3 की पावर x इज इक्वल टू 1 एज इट इज, सिमिलरली यहाँ पे भी 3 की पावर x ये 1 बाय 3 हो जाएगा। ठीक है, तो बेटा जैसे अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया था कि अगर किसी नंबर की पावर 0 हो 1 होता है, ठीक है, बेस कुछ भी हो, तो 3 की पावर x इज इक्वल टू 3 की पावर 0 ये 1 ही हो जाएगा। मैंने ऐसे लिखा ही क्यों है, ये किसी नंबर की पावर 0 1 क्यों होता है, मैंने पहले भी कहा था, आप चैनल विजिट करें, वहां पे मैंने एक वीडियो अपलोड की हुई है, आप वो जाके गौर से देखें, आपको उसका इस चीज का भी कंसेप्ट आ जाएगा कि किसी नंबर की पावर 0 जो है वो 1 क्यों होता है। ठीक है जी, तो इसके साथ इसको ऊपर ले जाएं, इसकी यहाँ पे पावर है जी मेरे पास 3 की 1, इसको ऊपर लेके गए 3 की पावर आ जाएगी माइनस 1, तो यहाँ पे 3 की पावर x इज इक्वल टू 3 की पावर माइनस 1, ये बेस कैंसिल, ये भी बेस कैंसिल, तो x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू माइनस का 1। तो बेटा इसका हमारा जो सोल्यूशन सेट आ जाएगा, सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू 0 एंड माइनस का 1, तो ये हमारे पास इसका जो है वो सोल्यूशन सेट फाइंड आउट हो गया है। ठीक है, इसी तरह हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 को हमने कैसे सॉल्व आउट करना है, बेटा ये बिल्कुल प्रीवियस दोनों क्वेश्चन की तरह है, तो आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना, वेरी इजी हम इसको सॉल्व करेंगे, इसके साथ हम थोड़ी थोड़ी सी छेड़खानी करेंगे ताकि ये सॉल्यूशन की तरफ बढ़े जी। तो फर्स्टली इसका लिखा हमने जी सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के बाद इसको दोबारा लिखा 2 की पावर x प्लस 64 डॉट 2 की पावर माइनस x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। जी बेटा इसकी पावर यहां पे माइनस में है, इसको बटे में ले जाएं, इसको बटे में लेके जाता हूं तो ये प्लस में हो जाएगी, 2 की पावर x प्लस 64 ओवर 2 की पावर x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। ठीक है, लेकिन अब इसको हमने सेपरेट नहीं करना क्योंकि दोनों में 2 की पावर x ही नजर आ रही है हमें, तो ये आपका क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन नंबर 6 7 8 वो वाले क्वेश्चन थे, वो टाइप का क्वेश्चन है, तो बिल्कुल आपने परेशान नहीं होना। इसको मैं पुट करता हूं, पुट किया y इज इक्वल टू 2 की पावर x, हमने 2 की पावर जो x है वहां हमने क्या पुट करना है, वहां हमने y पुट करना है, तो यहां पे आ गया हमारे पास y प्लस, यहां पे भी आपके पास 64 ओवर y माइनस 20 इज इक्वल टू 0। अब इस y को सबके साथ मल्टीपल किया, y इधर मल्टीपल हुआ तो y स्क्वायर प्लस y यहां मल्टीपल हुआ तो सिर्फ 64 आएगा, y कैंसिल, यहां पे आ गया माइनस का 20y इज इक्वल टू 0, इसकी तरतीब दी हमने y स्क्वायर माइनस 20y प्लस 64 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब 64 के दो पेयर बनाए, 64 के दो पेयर, इसको और इसको यहां पे तो मान है ना, 64 के दो पेयर बनाए जिनको मल्टीप्लाई करें 20 आ जाए, जिनको प्लस माइनस करें सॉरी मल्टीप्लाई करें 64 आए, प्लस माइनस करें तो 20 आ जाए, तो जी आपके माइंड में फौरन जो है वो 64 का होगा, 1 और 64 2 और 32। ठीक है, ये 64 के पेयर्स हैं, 1 64 2 32, उसके बाद जो है वो 4 पे ले जाएं तो 4 पे नहीं होता,
छः पे नहीं, उसके बाद जो है वो आठ पे आठ आठ चौंसठ होता है, ठीक है। उसके बाद जो है हम इसको लेकर जाएंगे सोलह चार चौंसठ होता है, चार सोलह, जी जी बिल्कुल चार पे होता है, चार सोलह चौंसठ। अब चार सोलह ही इसके पेयर बनते हैं, सोलह और चार, सोलह चार चौंसठ, सोलह चार बीस, दोनों माइनस के आएंगे बेटा जी। वाई स्क्वायर माइनस का सिक्सटीन वाई माइनस का फोर वाई प्लस का सिक्सटी फोर इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो इस सारी वैल्यू को मैं यहाँ शिफ्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे मैंने शिफ्ट किया इसको, वाई स्क्वायर माइनस का सिक्सटीन वाई माइनस का फोर वाई प्लस सिक्सटी फोर इज इक्वल टू जीरो। अब इसको मैंने इसमें से y कॉमन लिया तो y इज इक्वल टू वाई माइनस सिक्सटीन, माइनस का 4 कॉमन लिया तो y माइनस सिक्सटीन इज इक्वल टू जीरो। सारी वैल्यू में क्या कॉमन है, सारी वैल्यू में y माइनस सिक्सटीन कॉमन है और y माइनस 4 बच गया इक्वल टू जीरो। y माइनस सिक्सटीन इज इक्वल टू जीरो, ठीक है बेटा। तो y माइनस 4 इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो अब ये y इज इक्वल टू सिक्सटीन, तो y इज इक्वल टू फोर, सिक्सटीन भी उधर जाके प्लस का हो गया, 4 भी उधर जाके प्लस का हो गया। अब यहाँ पे y हमने क्या पुट किया हुआ था, 2 की पावर x, 2 की पावर x 16, और यहाँ पे भी 2 की पावर x, यहाँ पे 4, ठीक है बेटा। अब 16 को मीन्स के इसकी फैक्टराइजेशन करें तो 2 की पावर 4, 16 क्या होता है, 2 की पावर 4 नहीं, 2 की पावर सॉरी x आना था यहाँ पे, 2 की पावर 4 16 होता है, और इसी तरह 2 की पावर x इज इक्वल टू 4 को फैक्टराइज करें तो 2 की पावर 2, ये बेस बेस से कैंसिल, ये भी बेस कैंसिल, तो x इज इक्वल टू 4 एंड x इज इक्वल टू 2 हमारे पास जो है वो इसका रिक्वायर्ड आंसर है। तो बेटा इसका आंसर जो है वो हम लिखने वाले हैं सॉल्यूशन सेट, इसका आ जाएगा 4 एंड 2। तो इस तरह जो है हमारा ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व आउट हो गया। तो बेटा इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 14 तक जो है वो अपने 5 क्वेश्चन 10 to 14 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। तो बेटा इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वाले क्वेश्चन के साथ, जो 15 और 16 है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बहुत जल्द जो है वो समझाने वाला हूँ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दे इजाजत, अल्लाह निगेवान, वस्सलाम।